काउंट टू हेल ने अपने जोम्बी पार्ट वन और जोम्बी पार्ट टू वो भी यहीं पर शूट किए थे और ये काफी बढ़िया लोकेशन। तो गाइस कहते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, मतलब इसमें करीब 80% तक ग्लूकोज। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। गाइस तो आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के रामनगर शहर और दिखाऊंगा मैं रामनगर शहर के खूबसूरत से जंगल और वहाँ की खूबसूरत सी पहाड़ियाँ। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो गाइस चलिए चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको रामनगर। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद और यहाँ से रामनगर की दूरी लगभग रह जाती है करीब 90 किलोमीटर के आसपास होगा। फिर वह 90 किलोमीटर के आगे जाने के बाद जो शुरू होगा वहाँ मतलब पहाड़ों का इलाका शुरू हो जाता है, पहाड़ी इलाका, और फिर जिम कार्बेट के घने जंगल शुरू हो जाते हैं और वो हम सब एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपको सीधे रामनगर में। तो गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं और यहाँ पर हम पी रहे हैं नीरा, इसको नीर बोलते हैं, नीरा बोलते हैं। इसका जो होता है ये खजूर के पेड़ को काटकर उसमें हंडी लटकाई जाती है और उसमें से रस टपकता रहता है और उसको इकट्ठा करते हैं ये लोग और यहाँ पर बेच देते हैं। और ये हमें पड़ा है 10 रुपये का एक गिलास। तो आइए आपको दिखाते हैं ये क्या। तो गाइस ये है देखो नीरा, जो खजूर के पेड़ को काटकर उसका रस निकालकर इसे बनाया गया है और टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है इसका। तो गाइस कहते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, मतलब इसमें करीब 80% तक ग्लूकोज होता है जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो गाइस अब हमने अब नीरा वीरा पी लिया है और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको, जल्द पहुंचते हैं हम रामनगर और फिर वहां से आगे के व्यूज दिखाएंगे आपको। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपको रामनगर में। तो गाइस स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के रामनगर शहर। आप मेरे पीछे देख ही जाओगे कितने खूबसूरत से व्यूज आ रहा है और पहाड़ों के व्यूज और साथ ही दिखाई दे रहा हो आपको जिम कार्बेट के जंगल। साइज आज हम ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे, दिखाएंगे आपको यहाँ की बेहतरीन सी टूरिस्ट प्लेसेस। पहले उससे पहले ये जान लेते हैं कि आप उत्तराखंड आना चाहते हो तो उत्तराखंड से आप रामनगर शहर आना चाहते हो तो कैसे पहुंच सकते हो। सबसे पहले गाइस अगर रामनगर आना चाहते हो आप अपनी बाइक से तो सीधे बाइक उठाओ मुरादाबाद से, सीधे रामनगर आ जाओगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बस, अगर आप बस से आना चाहते हो तो मुरादाबाद से आपको डायरेक्ट रामनगर के लिए बस मिल जाएगी। तीसरी है यहाँ की ट्रेन जो सुबह 7 बजे एंड दूसरी जो होती है सुबह 11 बजे निकलती है और जो सीधे आपको रामनगर पहुँचा देगी। गाइस इस तरह से आप रामनगर पहुँच सकते हो। दूसरी तो गाइस हम रामनगर में आइए मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आपको यहाँ के, जैसे खूबसूरत जंगल है और ये मेरे पीछे देखो गाय जा रही हैं। चलिए आइए मैं आपको ये दिखा। तो गाइस बात करते हैं रामनगर में घूमने में आपका कितना खर्च आ जाएगा। तो रामनगर आप बाइक से आते हो तो वही 500 से 600 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे और अगर आप बाई ट्रेन आते हो तो आपके 100 से 150 रुपये में आप बड़े आराम से रामनगर घूम सकते हो। अगर आप बस से आते हो तो उसमें भी आपके 400 से 500 रुपये ही खर्च हो जाएंगे और आप 400-500 रुपये में बड़े आराम से रामनगर घूम सकते हो।
तो गाइस अभी हम आए हैं रामनगर के कोसी ब्रिज पर, और ये देखिए यहाँ का रामनगर का कोसी ब्रिज, और यहाँ का ये सबसे ज्यादा मेन टूरिस्ट स्पॉटों में से एक माना जाता है, और यहाँ काफी सारे लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं, और पीछे इसके इसमें पार्क बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ गिरजिया देवी से कौन से रास्ते से आप कहाँ जा सकते हैं। तो गाइस पहला जो रास्ता है वो सीधा रामनगर को जाता है, और इसके लिए जस्ट बराबर से ये सीधा गिरजिया देवी को जो रास्ता चला जाता है, और इधर को आएंगे आप तो ये रास्ता सीधा तो गाइस ये वाला रास्ता सीधा हल्द्वानी और नैनीताल, साथ ही इधर आप वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो वो भी इसी रास्ते पे को आप जा सकते हैं। तो गाइस जैसे ही आप रामनगर ब्रिज से नीचे को आओगे तो वहाँ पर एक ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, कार्वेट ग्रीन वैली रेस्टोरेंट नाम से बना हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर पार्क भी बना हुआ है, जाओ तो आप अंदर जाके खाना वाना खाना है या कुछ टाइम पास करना है उसके लिए ये सबसे परफेक्ट लोकेशन है, तो एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें। तो हम जा रहे हैं गिरजिया मंदिर, और ये जो ऊपर को सीधा सा रास्ता गया है ये जो सीधा गिरजिया मंदिर को जाता है, और यहाँ से रामनगर से जो गिरजिया की दूरी है वो लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। फिर उससे आगे आप और भी जा सकते हो, झिन्ना गेट है या धनगढ़ी गेट है, आप ऐसे बहुत से टूरिस्ट स्पॉट इसके आगे बने हुए हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हो और दिखा सकते हो यहाँ के खूबसूरत से व्यूज़। तो गाइस हम आपको लेकर चलते हैं गिरजिया मंदिर के चलते। तो गाइस अभी हम जा रहे थे रास्ते में कि हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर, हाथी, और आइए इस पर हाथी की आप जंगल सफारी कर सकते हो जो आपसे 400 से 500 रुपए लेते हैं, और ये आधा या एक घंटा घुमाते हैं आपको, साथ में आपके यहाँ पे ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। आइए हम आपको पूरा दिन दिखाते हैं। देखिए गाइस जिस तरह से अभी आपने देखा हाथी की सवारी, उसी तरह से यहाँ पर भी ऊँट की भी सवारी की जाएगी, और इसके भी सेम चार्ज है, इसका कोई फर्क नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं और इसे कर सकते हैं। तो गाइस अभी आपने हाथी की सवारी देखी, ऊँट की सवारी देखी, और अब आइए चलते हैं सिर्फ गिरजिया मंदिर, और देखते हैं हमें रास्ते में और क्या क्या देखने के लिए मिलता है, वो सब हम आपको अभी कवर करते चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम पीछे जाम में फंस गए थे, बड़ी मुश्किलों दिक्कतों के साथ सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो गाइस मैं बता दूँ कि रामनगर में काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे एक काल मूवी की शूटिंग की गई थी यहाँ पर, और राउंड टू हेल ने अपनी जोम्बी पार्ट 1 और जोम्बी पार्ट 2 वो भी यहीं पर शूट की थी, और ये काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, आप एक बार ज़रूर विजिट करिए, हम आपको दिखाते रहेंगे और रास्ते में क्या क्या मिलता है। तो गाइस मैं यहाँ पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ, 2-3 बार अथरेली स्कूल की तरफ से भी आया था। तो गाइस कमेंट करके बताना कि अथरेली स्कूल के साथ जो जो मेरे साथ आए थे क्या सचमुच में मज़ा आया था या नहीं आया था, कमेंट ज़रूर करना है, और फिर बता दिखाते हैं आपको यहाँ के और भी खूबसूरत से नज़ारे।
तो गाइस अभी हम रास्ते में रुके थे और देखा है यहाँ पे कितना खूबसूरत सा पुल था और उसके खूबसूरत से व्यूज देखने के लिए हम यहाँ पर रास्ते में रुक गए। आइए आपको भी दिखाते हैं और यहाँ के खूबसूरत से व्यूज और उस पर कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, फिर वो हम आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे, देख लेना। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस पुल के जस्ट बराबर से ही एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं और जो भी हिंदू लोग हैं वो यहाँ जरूर जाते हैं, मतलब गिरदी आते हैं तो इस रास्ते में पड़ता है तो यहाँ दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो आप लोग भी अगर कोई हिंदू है आए तो कुछ दर्शन करने जा सकते। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं रामनगर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी से चैनल मोनेटाइज करा दो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।